Hello students, let's see this question. The question says the maximum possible number of hydrogen bonds in which a water molecule can participate are. चार ऑप्शंस आपको गिवन है, करेक्ट ऑप्शन चूज कर लो. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड पहले समझते हैं कि क्या होता है. कि कोई कोवेलेंट बॉन्ड है जेड एंड एच के बीच में, तो जेड कोई इनमें से कोई तीन एलिमेंट हो सकता है, या तो क्लोरीन हो सकता है, या ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन. ये तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. ठीक है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से हाइड्रोजन के साथ में क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो जाएगा. तो जेड पर डेल्टा नेगेटिव का चार्ज आएगा, एच पर डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज होगा. सिमिलरली दूसरा मॉलिक्यूल या दूसरा बॉन्ड भी ऐसा ही होगा, जो अगेन एक डाइपोल के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा. सो इन डाइपोल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे बिटवीन द ऑपोजिट पोल्स, राइट. सो इसी अट्रैक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अट्रैक्टिव फोर्सेस को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, तो अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लूं, तो ये ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन लगा दो तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है. क्लियर, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अगेन पोलैरिटी है, ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज आएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज होगा. तो चार्जेस को काउंटर बैलेंस करने के लिए इस पर डेल्टा नेगेटिव का चार्ज दिखा दीजिए, डबल डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा आपके ऑक्सीजन के ऊपर. ठीक है, तो अब अगर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल अगर मैं ले लेती हूँ, तो उस वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या होगा, उस वाटर मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर होगा. ठीक है, तो ये लोन पेयर वाला ऑक्सीजन पॉजिटिव पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. सिमिलरली अगेन ये पॉजिटिव पोल को दूसरा वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन थ्रू इट्स लोन पेयर अट्रैक्ट करेगा, तो ये अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. अब ये जो हमारा ऑक्सीजन है, इसके पास तो है, इसके पास में भी लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, कोई वाटर मॉलिक्यूल लेट्स से है ये, और इसमें ये पॉजिटिव पोल का क्रिएशन हो जाता है. ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पोल का क्रिएशन है, तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू इसको अट्रैक्ट कर सकता है. सिमिलरली एक और लोन पेयर है, तो क्या करेगा, ये दूसरे पॉजिटिव पोल ऑफ द डाइपोल को अट्रैक्ट कर सकता है. क्लियर, तो इस तरीके से ओवरऑल अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल को देखूं तो ये टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व हो सकता है, चार. दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे इसके पॉजिटिव पोल ऑफ द हाइड्रोजन की वजह से, और दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे ऑक्सीजन के दो लोन पेयर की वजह से. सो अकॉर्डिंगली डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.